क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन आज घर पे ही आपको एक रेसिपी सिखाऊंगा पनीर टिक्का बनाने की। हमने पनीर के पीसेस कर लिए हैं, उसके ऊपर काले मिर्च और नमक भुरका के थोड़ी देर रख दिया है ताकि वो अच्छे से सूख लें इनका फ्लेवर। अब हम रेडी करेंगे इसका मसाला ताकि हम इसको मैरिनेट करके रख सकें कुछ देर के लिए। तो पनीर टिक्का को मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी है। सत्तू लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, मेथी और भुना हुआ जीरा, और साथ में 4 चम्मच यहाँ पे दही लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, और चाट मसाला भी थोड़ा सा है इसमें, इसको अब मिक्स करेंगे इसके अंदर डाल के। मसाला सारा डाल लिया है, अब इसके अंदर नींबू निचोड़ेंगे। पनीर टिक्का में मिक्स करने के लिए सरसों का तेल चाहिए होता है, जिसको अभी हम अच्छे से उबाल रहे हैं ताकि इसका कड़वापन पूरा निकल जाए। सरसों का तेल डाल के इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। पनीर मैरिनेट करके लगभग 15 मिनट हो गए इसको रखे। अब इस तंदूर कर रहे हैं अपना रेडी यहाँ पे। पनीर टिक्का बनाते बनाते यहाँ पे जैसे ही कोयलों को रेडी कर रहे थे, ये पूरा गिलास फट गया एकदम से हीट से। हर जगह कांच ही कांच, कांच ही कांच हो गया। ये देखो यहाँ पे नीचे तक एकदम से ब्लास्ट हुआ कांच फटने का। तो बस अब चेक करेंगे इनके अंदर कहीं ग्लास तो नहीं गया, कुछ कांच वगैरह ना गया हो। तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है, ऐसे मोटे मोटे कांच निकले इसके। बाहर चल के दिखाता हूँ, ये है जिसकी वजह से पूरा गैस का कांच फटा चूल्हे का। मम्मी आ रही है गुस्से में, अभी डांट पड़ के हटी है मेरे को। मम्मी का चूल्हा खराब कर दिया मैंने, ऐसे नया नहीं आना था, वो होना ही था। ये सिक रहा अपना पनीर टिक्का, बहुत ही महंगा पड़ा ये। मशरूम भी साथ में रेडी है, वो भी हो रहा है। अभी जस्ट टेस्ट करके मैंने देखा था मलाई वाला, वो ही करेंगे। बना कैसा है? अच्छा बना है, अच्छा बना। धीरे धीरे अब सीख रहा है, पहले आँच तेज हो गई थी तो जल गए थे, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं हल्के हल्के। मशरूम टिक्का कैसा बना? बहुत यम्मी। रुद्विका चल दिया उधर, कैसा बना बेटा पनीर टिक्का? कैसा बना? कैसा बना अच्छे से बताओ। ऐसा या ऐसा? बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, थैंक यू। अब बनाते बनाते खुद खा के देखता हूँ कैसा बना है, अब तक तो तारीफ ही सुनी थी तेरा। बना तो स्वाद है, जल्दी 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 खा के बताओ। तो आज की मेहनत रंग लाई, थम्स अप। बट थोड़ी महंगी पड़ गई, पूरा चूल्हा ब्लास्ट हुआ उसके अंदर। रिकॉर्डिंग उस टाइम कर नहीं रहते, नहीं तो शायद वो कैप्चर भी हो जाता। गुलाब जामुन रखा है माइक्रोवेव में, गुलाब जामुन खा के मुँह का स्वाद थोड़ा सा मीठा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यस बेबी, चूल्हा जलाया? हाँ मैंने चूल्हा जलाया। चलो सबको गुड नाइट कर दो। अच्छा सॉरी मेरी माँ। चलो सबको गुड नाइट बोल दो। से गुड नाइट टू ऑल। पापा से गुड नाइट टू ऑल। से गुड नाइट पापा उनको। से गुड नाइट। से गुड नाइट। पापा ने सॉरी बोल दिया था दीदी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, ध्यान रखिए सब अपना।